नारायण बाबू जी प्रणाम करो। प्रणाम। दो किस्म की बातें हैं। हाँ बाबू जी, स्वामी जी महाराज शेर जी भी समय बोले हैं। हाँ बाबू जी, एक तो वो सुना सकूँ, आप कहो तो वो सुनाऊ, एक जी घंटा भाई सुनाओ। है वही सुनाऊ तो हाँ सुनाओ। वो बोले स्वामी जी महाराज, जी जी बाबू जी। गीता पे गुरुपुर के संस्थापक पूज्य शेर जी जय दयाल जी द्रोणिका के विषय में स्वामी जी महाराज ने कहा, मैं जी 29-30 वर्ष की अवस्था में शेर जी के पास आ गया था। अच्छा जन्म था माँ सुधी तो सी हाँ 1960 अच्छा स्वामी जी का जन्म, हाँ हाँ और उनका शरीर गया आषाढ़ 12, 2062 जी जी बाबू जी। करीब 150 बरस अंदाज हुए हाँ काम पर रहे। जी बाबू जी, शेठ जी रहे 80 बरस करीब, 80 बरस शेठ सेठ जी जी। की उम्र 80 बरस रही, अच्छा स्वामी जी के 150 बरस रही, अच्छा और भाई जी की? भाई जी की 77-78 बरस रही। अच्छा उनका उनका जन्म था 19 सितंबर 1949 अच्छा और मरे 22 मार्च 71। अच्छा हाँ हाँ मतलब उनके 78 वर्ष की कई उम्र रही जी और उनकी 80 वर्ष की स्वामी जी की सेठ जी की शेर जी की स्वामी जी की 150 वर्ष स्वामी शेर जी की 80 वर्ष कही। जी 1922 में जन्म था, 2022 में संबत में उनका शेष शांत हुआ। जी तो अब स्वामी जी बोल रहे, सुन ले ध्यान से। जी जाओ जी। मेरे स्वामी जी कह रहे, मेरे दीक्षा गुरु का शेष शांत होने के बाद मैं विक्रम संबत 1987 में मैंने उनकी बरसी कर ली, मतलब बरसोदी कर दी। ऐसा पक्का विचार कर लिया कि भगवान की प्राप्ति के सिवाय कुछ नहीं करना है, जी किसी से कुछ मांगना नहीं है, रुपयों को अपने पास रखना नहीं है, न छूना है, अपनी ओर से कहीं जाना नहीं है। जिसको गरज होगी वह मुझे ले जाएगा। इसके बाद मैं गीता प्रेस के संस्थापक श्री शेर जी जय दयाल जी गोयनका के संपर्क में आया। वे मेरी दृष्टि में भगवत प्राप्त महापुरुष थे। मेरे जीवन पर उनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। शेर जी पहले जन्म की बात सुना रहे स्वामी जी। जी वे पहले जन्म में एक राजा के मंत्री थे। जी उनको बैराग हो गया तो मंत्री पर छोड़ करके अच्छे बैरागी साधु बन गए। उनके पास कई साधु आकर रहने लग गए शेर जी के पास। जी राजा के मन में आया कि मैं मेरे मंत्री को ही अपना गुरु बना लूं। ये जी राजा था हनुमान बस जी को इनका, अच्छा उनके मन में आया जी वो तो शेर जी तो साधु बन गए थे, हाँ हाँ मंत्री को, इस मंत्री जो साधु बन गए इसको मैं गुरु बना लूं जी और मैं भी भजन करूं। जी राजा भी जाकर उनका चेला बन गया, शिष्य बन गया। जी अब जब गुरु का शरीर शांत हो गया, मतलब जय शेर जी का शरीर शांत हो गया पहले वाला, जी तो राजा के महंत बन गए वहां के। जी महंत बनकर वे गुरु की बात को भूल गए, जी भोग होने लग गए। जी भोगों में लगने के कारण वे मरने के बाद नरकों में गए। जी जब कालांतर में राजा का पुनर्जन्म हुआ जी तो मंत्री ने पुनर्जन्म लिया। जी क्यों लिया? कि उनको शिष्य बना लिया था, उसका उद्धार करना था। हाँ इसलिए शेर जी को पुनर्जन्म लेने की जरूरत नहीं थी, अच्छा उसका उद्धार करना था चेले का, जी इसलिए पुनर्जन्म लिया। जी बाबू जी राजा तो उनको पहचानता नहीं था, वो तो जी पहचानता नहीं था ये मेरे जी गुरु जी थे। पर मंत्री उनको पहचानता था। अच्छा मंत्री ने उनको सन्मान पहनाने की खूब चेष्टा की, जी वो उद्धार नहीं कर सके। शिष्य के उद्धार के लिए गुरु को पुनर्जन्म लेना पड़ता है, ये कहानी नहीं है, ये इतिहास की बात है। स्वामी जी कह रहे सच्ची जी घटना है ये। जी बिल्कुल ठीक है। गुरु को शिष्य के उद्धार के लिए जन्म लेना पड़ा। स्वामी जी कह रहे हैं मैंने जी शेर जी का सत्संग कई वर्षों तक किया, जी
वे कहते थे परमात्मा की प्राप्ति कठिन है, ये बात मेरे समझ में आती नहीं थी। मैं तो अच्छा सोचता परमात्मा की प्राप्ति ऐसी सुगम है, मैं हाँ टोपी की टोली बना दूंगा। अच्छा पर जब दूसरे लोगों पर परीक्षा की तो लगा कि कठिन है। अच्छा स्वामी जी कह रहे हैं, मैं जय दयाल गोविंद का ये साथ बहुत समय रहा हूं। हाँ अच्छे महापुरुष थे, उन्होंने गीता प्रेस का खोला है और गीता प्रेस के द्वारा दुनिया का बड़ा उपकार हुआ है। जी मैं 20-22 वर्ष 23 वर्ष का था, ये स्वामी शेष जी ने कहा जी ना, स्वामी जी कह रहे, स्वामी जी मैं हाँ बीस हाँ बाईस वर्ष का था जब हाँ मैं कल्याण में शेष जी का लेख पढ़ता था। अच्छा मेरे को बिल्कुल पता नहीं था कि गीता प्रेस से इनका कोई संबंध है शेष जी का। जी मैं तो केवल लेख आते हाँ हाँ थे, लेख को पढ़ता था, जी लेकिन मेरे पर यह असर पड़ा, ये विद्वानता के लेख नहीं है, पंडिताई के लेख नहीं है, जी अनुभवी पुरुष के लेख है। अच्छा मैं अपने को गीता का जानकार मानता था। जी स्वामी जी कह रहे हैं, अच्छा मैं अपने को गीता का जानकार मानता था, जी तो शेष जी के गीता के गहरे भावों को मैंने जितना समझा ऐसा कोई टीकाकार नहीं समझता था। अच्छा गीता पर संस्कृत की बड़ी बड़ी टीकाएं हैं और वे विद्या के जोर पर लिखी गई हैं, जी अनुभव पर नहीं। जी शेर जी का अनुभव था। जी गीता पढ़ते पढ़ते मैंने जो 14 उनका 14वां अध्याय देखा, सवार पीर टीका में, वो सवार पीर टीका थी, कौन सी उसमें टीका हो जी? सवार पे गीता प्रेस की सवार पे की टीका तीन दिन मिलती थी सवार पे अच्छा में सबसे सवा पहले। रुपये में? हाँ बहुत अच्छा बहुत, मेरी मेरे पास घर में थी भाई, छोटी उम्र में मैं पढ़ता था। अच्छा उसमें ये संबंध थे का और कथा, उनको पढ़ करके स्वामी जी के प्रिय असर पड़ा। ये गीता का अद्भुत जानकार है। हाँ गीता पढ़ते पढ़ते मैंने उनका 14वां अध्याय देखा, श्लोकों के बीच में क्योंकि तथा एवं ऐसे छोटे शब्दों का मेरे पास असर पड़ा। ये गीता का कीर्ति इतना गहरा समझते हैं। जी मैं भी अपने को गीता का जानकार मानता था, जी पर विचार किया शेर जी सामने मैं कुछ नहीं। अच्छा मैं गीता की संस्कृत गीता पढ़ता था, पर शेर जी का जैसा अनुभव था वैसा कोई अनुभव मैंने नहीं देखा। जी अभी भी लोक में देखा जाए तो अनादि काल से सृष्टि चली आ रही है, उस सृष्टि में बहुत तरह के संत हुए हैं। नैमिषारण्य में जो लखनऊ के पास है, जी नैमिषारण्य लखनऊ के पास, हाँ नैमिषारण्य हाँ सूत जी का सोने जी का संवाद हुआ। जी इस तरह का संवाद हरेक जगह नहीं होता, और जी महाभारत में भीष्म जी का युधिष्ठिर के बीच संवाद हुआ। जी इस तरह की बात शेष जी के सत्संग में भी हुई। जी महाभारत में बहुत कथाएं आती है, जी परंतु ज्ञान योग कर्मयोग भक्ति योग का वास्तविक तत्व तो क्या है जी और जीव का कल्याण कैसे हो सकता है, ये जी मार्मिक बातें शेष जी द्वारा मेरे को मिली। जी सुन लिया ना, ये जी वहां इतनी ऊंची बातें वहां हुई, जी ये बातें नहीं हुई कि हाँ ज्ञान हाँ योग कर्मयोग भक्ति का तत्व तो क्या है और जी इसी को भगवान की प्राप्ति कैसे जल्दी हो सकती है। जी भाई जी के द्वारा भी दुनिया का कितना लाभ हुआ है, हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के द्वारा, जी ये स्वामी जी कह रहे हैं। जी हनुमान जी प्रसाद जी पोद्दार के द्वारा भी दुनिया का कितना लाभ हुआ है, उनके द्वारा कल्याण मासिक पत्र का संपादन करने से लोगों को कितना लाभ हुआ है, जी का कोई पार नहीं है। जी जमाना कितना गिर रहा था, उस गिरते हुए जमाने में कल्याण के द्वारा गीता पे इसकी पुस्तकों द्वारा कितना लाभ हुआ। इसके मूल में तीन आदमी हैं, भगवान, गीता जी और शेर जी। अच्छा मतलब लोगों को कितना लाभ हुआ, मूल में तीन हैं, हाँ भगवान,
गीता जी और शेर जी अच्छा मेरे मन में थी, मैं शेर जी से जी। मिलूं तो कैसे मिलूं, पैसा तो मेरे पास था नहीं, और पैदल जाऊं तो इतनी देर में शेर जी वहां से निकल जाए। तो संबत 1990-91 की बात होगी, हम ऋषिकुल चूरू के उत्सव में गए थे। एक जी गंभीरानंद जी थे, श्याम जी के पिताजी, हरि हरि के पिताजी। गंभीर चंद जी दुजारी हाँ, जी। वो स्वामी जी वहां भिक्षा लेने जाया करते थे। अच्छा वो बोले, स्वामी जी थारा शेर जी मिलने की इच्छा, तो चलो मैं मिलाऊं। अच्छा शेर जी चूरू आए हुए हैं ऋषि उत्सव में, वो जी आएंगे वहां, चलो जी मैं आपको मिला दूं। तो अच्छा वो ले गए स्वामी जी को चूरू में, संबत 91 में, 31 वर्ष की उम्र थी जवानदार। तो सुनना ध्यान से, जी वो शेर जी से पहले पहुंचे एक दिन, शेर जी एक दिन बाद में आए। अच्छा उनको पता चला कि वो साधु आए हुए हैं आपसे मिलने के लिए। शेर हाँ जी उनके पास गए, अच्छा शेर जी उनके पास गए पहले मिलने, स्वामी रामचंद्र जी पास। अच्छा बोलिए बोलिए महाराज जी, क्या सेवा है, हम तो अच्छा आपके सेवक हैं। ये शेर अच्छा जी ने कहा, हम तो हाँ आपके सेवक हैं। अच्छा हाँ, हाँ भगवान की कृपा से मुझे वहां शेर जी के दर्शन हुए। मैं पहले शेर जी से मिला, उसके बाद भाई जी से मिला, अच्छा उनके साथ में रहना हुआ, परसों तो उनके साथ में रहा। जी उनकी पुस्तकों से बहुत विशेष लाभ होता है। अगर जी आप अपना कल्याण चाहते हैं, स्वामी जी कह रहे हैं, तो हाँ गीता पढ़े, शेर जी पुस्तकें पढ़े, जी उनका अध्ययन करें, आपको जी विशेष लाभ होगा। जी शेर जी पुस्तकों को जी बड़ा, एक भगवान से अधिकार प्राप्त था जी नहीं कि पुस्तकें पढ़ने वाले का निश्चित कल्याण हो जाएगा। तो ये अधिकार प्राप्त है ये बात आई है क्या भाई बाबू बाबू जी कहीं पे। अच्छा अरे भाई, स्वामी जी से बात हुई हुई है, और क्या बताओ, पूर्णमल जी मुंदड़ा की, हाँ और मैंने शेर जी के पवित्रों में सुना है। अच्छा और सुनो, हाँ शेर जी ने लिखा है, मेरा जी बाबू जी अच्छा काम है मेरी पुस्तक घर घर में भिजवा दो, वो चाहे सड़े हो, बड़ी अच्छा बड़ी कल्याण करेगी। वो स्वामी जी के भी आएगी अभी है। अच्छा हाँ, अकेले शेर जी ने लोगों को परमात्मा लगाने की जितनी चेष्टा की है, उतनी चेष्टा करने वाला इतिहास में एक भी नहीं मिलता। सुन लो, ये जी स्वामी जी कह रहे हैं, जी जी इतिहास में एक भी नहीं मिलता। जी हाँ, जीवों के उद्धार के लिए उन्होंने अपने परिश्रम में, उद्योग में कमी नहीं रखी। जी इसके लिए उन्होंने गीता प्रेस, गोविंद भवन, गीता भवन, चूरू ब्रह्मचर्य आश्रम खोला। जी शेर जी के कहने से ही मैंने व्याख्या देना शुरू किया। अच्छा नौका में शेर जी ने कहा था, एक आदमी 12 महीने रात दिन भजन करता है, हाँ और एक आदमी मेरे कहने के अनुसार 12 महीने काम करता है। अच्छा वो तो 12 महीने भजन करता है, और जी ये 12 महीने काम धंधा करता है। शेर जी के कहने के अनुसार, जी वो कहने के अनुसार काम करने वाला, मैं एक दिन मेरे पास रखकर उसको बात बताऊंगा तो भजन करने वाले से भी तेज होगा। अच्छा हाँ, अब ये स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। जी मैंने शेर जी एक पुरानी बात सुनी है। हाँ बाबू जी शेर जी गुवाहाटी गए अच्छा थे, आप व्याख्यान दे रहे थे 11 के 55 में श्लोक पे, मत कर्म कित मत परमो मत भक्ता संवर्जी था, फिर हाँ वही रस भूतेश समा में थे पांडव। जी इस श्लोक पर व्याख्यान दे रहे थे जी गुवाहाटी में। बाबू जी तो शेर जी कह रहे थे कि किसी भी प्राणी के साथ अपने हृदय में बैर नहीं रखना चाहिए। जी बैर भाव ईर्ष्या रखने से अंतःकरण अशुद्ध होता है।
जी वहां सत्संग में दो धनी आदमी वृद्ध सज्जन बैठे थे, बड़ी उम्र के बैठे थे। जी उनकी आपस में खटपट थी, बैर था। अच्छा उनमें से एक बोला, मेरा दुनिया में किसी के साथ बैर नहीं है, जी केवल एक व्यक्ति के साथ बैर है। जी मैं बूढ़ा हो गया, मैं मरने वाला हूं, बैर साथ में रखकर जाना ठीक नहीं, इसलिए मैं आज से बैर यही छोड़ना चाहता हूं। अच्छा मैं उसे कभी दुख नहीं पहुंचाऊंगा, उसका बुरा कभी नहीं चाहूंगा और नहीं करूंगा। जी दूसरा व्यक्ति जो वहां बैठा था बैर रखने, जिसके साथ बैर था, हाँ वो बोलता है कि आज ये सीधा हुआ है, अच्छा उसने मेरे को बहुत दुख दिया है, आज ये कहता मैं बैर नहीं रखूंगा, वो बैर नहीं मिट सकता, शेर जी मेरे बैर साथ ही जाएगा। उसे कहा, अच्छा शेर जी बोले, अरे साथ लेके जाओ तो बढ़िया चीज लेके जाओ, घटिया चीज क्यों लेके जाओ। हाँ शेर जी ने कहा, मन में अच्छी बातें रखो, किसी के प्रति बुरा भाव लेकर जाना अच्छा नहीं है। जी वो पहले वाला रोने लग गया, वो तो बोला साथ ही मिल जाएगा। अब शेर जी ने, वो पहले वाला रोने लग गया, शेर जी कहा, साथ में बढ़िया चीज लेकर जाओ, बैर क्यों लेकर जाते हो। पहले वाले सज्जन के मन में बहुत दुख हुआ हाँ कि मैं बैर छोड़ना चाहता हूं और ये बैर छोड़ता नहीं, ये बैर नहीं छोड़ेगा तो मेरा बैर छूटेगा नहीं, अब जी मैं क्या करूं। रोने अच्छा लग गया, कोई घबरा गया, रोने लग गया। शेर जी ने उसकी पीठ ठोक दी। ध्यान से सुनना, अच्छा शेर जी पहले वाले आदमी की जोड़ने लग गया, पीठ ठोक दी जी और कहा, तेरा स्वभाव, मेरा स्वभाव नहीं है पीठ ठोकने का, अच्छा मैं कहता हूं तेरा बैठ तो गया, जाओ अच्छा ये मत छोड़ो, तेरा बैठ तो गया, अच्छा तुम्हारा बैठ तो निकल गया। बोलो, जी सुन लिया, सुना शक्ति थी नहीं जी और सकती सुनो। थी अरे शेर जी कहते, गीता जी भवन में इस बार परम धाम भेजने का मौका मिलेगा। अच्छा हाँ, ये शेर जी अपने प्रवचन में कहा करते थे, आप बोलो क्या अधिकार था उनको, हाँ ऐसा अधिकार। अच्छा जिन्होंने सुनी नहीं है बात उनके मुंह से, उन्होंने हाँ मेरे को बताई थी, कुंजलाल अच्छा जी रतेरिया थे। हाँ शेर जी ने दूसरे व्यक्ति से कहा, मैं तो तुम्हें भी कहता हूं तुम भी बैर छोड़ दो, इसका तो गया बैर। अच्छा उसे विचार किया कि दूसरे ने तो बैर छोड़ ही दिया और शेर जी ने कह दिया तुम्हारा बैर निकल गया, तो मैं जी अकेला ही बैर क्यों रखू। अच्छा ऐसा सोचकर उसे भी कह दिया, मैं भी बैर छोड़ता हूं। दोनों ने आपस में मिलकर जी एक दूसरे को नमस्कार कर लिया। ओहो आगे चलकर एक बार मैं स्वर्ग आश्रम में बटके बीच दर्शन कर रहा था, जी उसके व्यक्ति के बेटे ने, पहला जिसे बैर छोड़ा था जी उसका बेटा वहां था, हाँ उसे कहा, मेरे पिताजी का सही छूटा, हाँ उनके प्राण दशम द्वार से निकले। सुन अच्छा लिया। हाँ अब एक बात और सुनाऊ स्वामी जी की। स्वामी हाँ जी गोरखपुर से गए थे पिपाड़, पिपाड़ पिपाड़ जोधपुर के पास में है। हाँ जोधपुर का पिपाड़ है ठीक है हाँ, वहां गए थे तो जी ये घटना सुनाई। जी वहां दो महर्षि परिवार, बड़े भारी वो थे समाज, हाँ उनमें आपस में बड़ा बैर था। अच्छा पिपाड़ में हाँ स्वामी जी ने जब ये घटना सुनाई तो एक सज्जन उठ के बोला, स्वामी जी जी यहाँ दो समाज बैठे महर्षि के, जी ये स्वामी के मुंह से सुनी, कह रहा हूँ आप लोग का। जी बाबू जी तो वह दो समाज बैठे थे और दोनों समाज के मुखिया यहाँ पे है, जी तो महाराज जी ने उनसे कहा, भाई वो बैर छोड़, उन्होंने बैर वही छोड़ दिया, अच्छा और स्वामी जी अब आपको एक दिन रुकना पड़ेगा। स्वामी जी अच्छा पहले मैंने जोधपुर समय दे रखा था अगले दिन का, लेकिन उनके कहने से मैं एक दिन रुका जी और जोधपुर समाचार दिया, मैं अगले दिन आऊंगा। वह दिवाली मनाई गई। अच्छा हाँ, दोनों जी महर्षि भाइयों ने जी भगवान का प्रसाद लगाया, अच्छा अब प्रसाद बांटा सब में।
जी ये बात है। वो दोनों ओ पांच सुनाने से पैर छोड़ दिया। अच्छा हाँ ये पिपाट की बात है। जी जी मैंने एक बार शेर जी से पूछा, शेर जी आप कौन हो? अच्छा तो वह बोले जैसा मेरे को माने मैं उसके लिए वही हूं। अच्छा शेर जी खुलासा करो क्या मतलब है? हाँ तो मानो भगवान, मानो तो भगवान, संत हाँ मानो संत, हाँ जो मानो सो। अच्छा हाँ ये मेरे सामने एक बात कहो उनकी, मैं वही अच्छा था। अच्छा हाँ मेरे सामने की बात है। अच्छा पूछा शेर हाँ जी आपको कोई भगवान माने तो, अरे मैं भगवान जैसा व्यवहार कर सकता हूँ, लेकिन हाँ मुझे भगवान नहीं मान सकते। अच्छा हाँ ये मेरे सामने की बात। बाबूजी दोबारा क्या भगवान जैसा? मैं भगवान की तरह व्यवहार कर सकता हूँ जो मुझे अच्छा भगवान माने तो। अच्छा हाँ अच्छा नहीं मुझे भगवान मान नहीं सकते आप। हाँ दूसरी बात, एक मदन लाल जी चूरी वाला थे, वो हाँ आपको साधु बन गए थे पीछे। अच्छा वो थे मंडुआ के काम मांड, खैर जो भी हो, मेरे सामने उन्होंने शेर जी पूछा, मैं वही था हाँ बचपन में। अच्छा मैं सामने पूछा शेर जी से, हम जी 3 आदमी थे वहां। अच्छा शेर जी इस समय हाँ आपके समान कोई पुरुष है क्या? हाँ शेर जी ने क्या जवाब दिया ध्यान से सुनना। जी बाबूजी मैं थर से माथा क्यों लगाता, उसके पास ही जाता। ये लिखा मेरे समान कोई नहीं है। अच्छा हाँ अर्थात अगर कोई बड़ा होता तो मैं उसके पास जाता, थर से माथा क्यों लगाता। ये उत्तर दिया, मैं वही था। अच्छा वे बोले मैं कह सकता हूं जो मुझे माने वैसा ही मैं व्यवहार कर सकता हूं। शेर जी की सेवा क्या है कि गीता जी का पाठ करो? कह अच्छा रहे हाँ शेर जी की सेवा क्या है? शेर जी जी की सेवा यही है कि हाँ गीता का पाठ करे और गीता हाँ का प्रचार करे, अच्छा और मेरे को भी यही करने के लिए शेर जी ने कहा। अच्छा शेर जी का स्वभाव एक बैरागी साधु की तरह था। जी जंगल में खूब खुश रहते, जी जंगल में सत्संग करते। जी ये बट वृक्ष शेर जी की पसंद की भी है। शेर जी अच्छा लिखा है मैं दो हाँ चार मील घुमाऊ, कहीं कितनी जगह? मुझे ऐसा दो चार मील घुमाऊ मैं हाँ 2 साल मील, अच्छा अच्छा और मुझे ऐसा स्थान कहीं नहीं मिला जैसा बट वृक्ष है। हाँ ये शेर जी की बात है। ऐसा बोला बाबूजी किसी ने कि कोई के ध्रुवजी महाराज ने बताया ये स्थान उनको, ऐसा कुछ बात थी क्या कोई? वो गुरुजी खिस्ता भवन के सामने का स्थान है, वहां पे साधन किया था। अच्छा अच्छा ये बट वृक्ष नहीं, यहाँ तो स्वामी अच्छा राम तीर्थ और महात्मा महापुरुषों ने तपस्या की थी। अच्छा वो जो आप ध्रुव जी बता रहे थे वो हाँ क्या? हाँ वो ध्रुव है गीता भवन एक नंबर के सामने का स्थान। अच्छा अच्छा वहां पे ये गीता गंगा जी की आवाज निकलती थी, वो हाँ ध्रुव जी वहां से जाने लग गए, हाँ ध्यान लगाते थे ना, पिपरी पड़ने लग गया। हाँ गंगा हाँ जी बोली महाराज जाओ मत, तो अच्छा क्या उसकी आवाज फिर ठंडी कमती हो गई। तो अच्छा यहाँ पे आवाज नहीं, आप दे लेना। हाँ हाँ बराबर है ये ध्रुव जी की गंगा जी की बात हुई। अच्छा हाँ आचार्य शंकराचार्य जी, भक्ति के आचार्य वल्लभाचार्य जी, ज्ञान के जी आचार्य शंकराचार्य जी जी और भक्ति के आचार्य रामानंद स्वामी, जी मैं शेर जी को निष्काम भाव के आचार्य मानता हूं। अच्छा हाँ शेर जी का निष्काम भाव पर बड़ा जोर था। जी उत्तराखंड में ऋषि मुनि संत महात्मा बहुत आए हैं, जी तपोभूमि है। जी शेर जी ने बहुत स्थान निकाल, बहुत विशेष स्थान निकाला है। जी ये शेर जी ने जो स्थान चुना है हाँ ये कोई साधारण नहीं है। ये बोल रहे स्वामी जी, अच्छा ऐसी जगह बहुत कम मिलती है। अच्छा शेर जी ने पहले उस तरफ ही रहते थे, हाँ कहाँ पता नहीं, कानपुर की कोठी में, अच्छा और वो सीता मऊ के महाराज रहते थे रानी की कोठी में।
हाँ गीता बहुत बड़ा है, सन 27 में, अच्छा 27 में इसका चीजा लगा था। हाँ पहले एक तल्ला, पहले नीचे नीचे का ग्राउंड बड़ा था, अच्छा 47 में ये 27 में पूरे एक तल्ला ऊपर का तल्ला उठा। अच्छा और पहले शेर जी इससे पहले 15-20 साल पहले अंदाज वहां रहते थे कानपुर की कोठी में, 5 रुपए महीने में भाड़े पे थी वो, अच्छा स्वर्ग आश्रम की कोठी थी वो, हाँ उसी में 5 रुपए में, वो भी रानी कोठी में सीता मऊ के महाराज रहते थे। और अच्छा उससे पहले सन 75 के आसपास स्वामी जी शेर जी ऋषिकेश में सत्संग कराया करते, गंगा के किनारे, हाँ पुराने 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 ऋषिकेश में, अच्छा वो शीशम दाढ़ी में उससे पहले सन 75 के आसपास, जी। यहाँ 80-82 के आसपास आए हैं। अच्छा ये विक्रम संवत बोल रहे ना भाऊ जी आप। सन सन बोल रहा हूँ सन, अच्छा हाँ या विक्रम संबत भाई देख लेना ये यार, हाँ विक्रम संबत ही बोल रहा हूँ, विक्रम संबत, हाँ विक्रम संवत बोल रहे हैं आप भाऊ जी। विक्रम संबत बोल रहा हूँ, जी हाँ जी संबत 75 की पाव वहां करते थे, 32-33 जी वर्ष की उम्र में हाँ हाँ ऋषिकेश में सत्संग आते थे, 80-82 जी में इधर आए हैं। हाँ जी ठीक है हाँ जैसा काम किया वैसा करने वाला कोई था नहीं सेठ जी जैसा। जी 18 पुराण पढ़े गए सिवाय इतिहास में दिखता नहीं, सेठ जी जी ने ऐसा काम किया, मेरे मन में कभी कभी आती है सेठ जी ने ऐसा काम किया, भगवान की कृपा जो हमारा जन्म ऐसे समय में हुआ। ओहो ये जी स्वामी जी कह रहे भगवान जी को भी प्रचार करना है, जी भगवान खुली चीज दे रहे। जी भगवान ने कहा सुनना ध्यान से, बहुत बढ़िया बात आ रही है, जी बाबू जी अच्छा जिनका तू नाम बताए उनको मैं दर्शन दे दूं। भगवान कह रहे सेठ जी को, हाँ भगवान ने कहा हाँ जिनका तू नाम बतावे उनको हाँ मैं दर्शन दे दूं। सेठ हाँ जी कहा मैं क्यों बताऊं, अच्छा अपनी मर्जी हो तो दो, नहीं तो मत हाँ दो, अच्छा मुझे क्या मतलब, जी आपकी मर्जी हो तो दो, नहीं मैं, मुझे क्या मतलब, जी मेरे में आपसे अधिक बुद्धि है। जी क्या ये शेर जी कह रहे भगवान से, कह रहे हैं मेरे में आपसे अधिक बुद्धि थोड़ी है, हाँ अच्छा अधिक हाँ योग्यता थोड़ी है, अधिक दया जी थोड़ी है, मेरे में जी अधिक हो तो आपको सम्मति देऊं मैं, जी मेरे में ऐसी बात है नहीं, फिर मैं क्यों जी सम्मति दूं, मैं अच्छा कीर्तन कर सकता हूँ, नाच सकता हूँ। जी एक भाई को स्वप्न आया, सपने में भगवान की मूर्ति के आगे खड़े होकर पूछा, महाराज ये मुकुंद जी पांडे थे, हाँ ये भी पांडे मुकुंद थे, इनका जी शेर जी जैसे पत्र व्यवहार होता था, जी इसको सपने में भगवान दिखे और जी शेर जी दिखे, जी शेर जी दिखे, जी और भगवान से पूछा उन्होंने सपने में, हाँ महाराज इस बनी के पीछे कैसे हो गए आप, अच्छा इस बनी के दर्शन कैसे हो गए। भगवान जी ने धीरे से कहा, ये स्वामी जी कह रहे हैं ये कुछ चाहता ही नहीं, क्या करूं, कुछ नहीं चाहने से मैं इसकी गरज करता हूं। जी तो बाबू जी निष्कामता से आदमी इतना ऊंचा बन सकता है बिल्कुल ये आपके सामने तो बात आ रही है, पढ़ाजी भी निष्काम थे, शेर जी भी निष्काम थे, जब इतने ऊंचे बने, तो अब बाबू जी महाराज जी तो सेठ जी तो सब महापुरुष थे हम लोग कैसे बनेंगे आप कामना छोड़ दो, आप बन जाए, आप कामना नहीं छोड़ सकते हो क्या। जी शेर जी खुद कहा मैं चिट्ठी लिखता हूं, अरे मैं तो थारे बात वो सुनाना चाहता था, थे ऊंचे बन जाओ, रे थे बोलिए ये शेर जी बात ये सुना दी, मेरे पास वो सब बात है, ऐसी थे बिल्कुल कोई साधन नहीं जो चली, अब बहुत ऊंचे उठ गया, तो वो भी सुनानी तो है वो भी सुनानी है तो भगवान जाने अगले मिनट का भरोसा है क्या, आज पूछ लिया आपसे, आपने कहा ये सुनाओ ये सुना दी, मैं तो दोनों चीज लाया था। शेर जी खुद कहा जी मैं चिट्ठी लिखता हूँ, जी उसका 10 वर्ष के बाद क्या असर पड़ेगा और जी 100 वर्ष के बाद क्या असर पड़ेगा, ये जी मैं जान करके लिखता हूँ। जी अच्छा हाँ मेरे को शेर जी ने कहा था अच्छा बांकुड़े में,
मैं था, सेठ जी दो ही जने थे, अच्छा मैंने सेठ जी अली लिखा एक, हाँ सेठ जी लेख का नाम है मानव जीवन की सफलता, हाँ वो सेठ गीता प्रेस की पुस्तक में छपाया, आप जी तो सरल उपाय में, हाँ उसमें सेठ जी ने कहा मेरे से, हाँ आपको लिखवा रहा हूँ जब मैं सोच के लिखवा रहा हूँ, सोच हाँ के बाद इसका क्या असर पड़ेगा और आज क्या अच्छा असर पड़ेगा और 10 वर्ष बाद क्या असर पड़ेगा। अच्छा हाँ, पहले शेर जी को लोग आप कहते थे, जी आप आएंगे, आप बोल रहे हैं। हाँ मैंने शेर जी का नाम शेष रखा, जी वो शेष का नाम, शेर जी का शेष का नाम शेष हो गया। मैं शेर जी कहता था, शेर जी ने बढ़ के नीचे सत्संग में कहा था, हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, हे भगवान ज्यादा रुपया मत देना, अच्छा गीता पेश, गीता भवन, गोविंद भवन, सबके मूल में शेर जी थे। ये जो सत्संग का प्रचार हो रहा है, सुना कौन सा, ये जो स्वामी जी करा रहे हैं, जी 22 वर्ष रहे स्वामी जी शेर जी के बाद, अच्छा स्वामी जी शेर जी ऐसे ही गया सन 65 में, हाँ स्वामी जी आए 2005 में, जी 40 वर्ष के रहे वो, हाँ 40 बरस रहे उसके बाद कह रहे हैं ये जी जो सत्संग का प्रचार हो रहा अभी हाँ स्वामी जी के द्वारा, जी उसके मूल में शेर जी है, जी और भाई जी को भी उनके पकड़ रखा था, भाई अच्छा जी हाँ भाग भाग के जा रहे थे, शेर जी बिट्टो पाव यूज किया करते थे। अच्छा हाँ, शेर जी ने 4 भाई थे, करीब हाँ तीन, हाँ आप अपना हिस्सा नहीं लिया, वो अच्छा लड़की साथ मिल गए। हाँ शेर जी द्वारा गीता भर में सत्संग आरंभ करना, ये महान विशेष के बाप रे बाप। अच्छा शेर जी के द्वारा गीता भर में सत्संग प्रारंभ करना, ये हमारे ऊपर विशेष कृपा है। शेर जी जी का ऐसा करने का स्वभाव नहीं था, हाँ ये बात कही कि हम शेर जी के सत्संगी है, जी किसी को काम को तंग करे ना, तो हाँ शेर जी बोले, कह दिया लोग शेर जी सत्संग नहीं है, भाग जाएंगे, बोलो अच्छा अधिकार हो गया नहीं है। हो गया हो गया हो गया ये शेर जी जब कही थी मेरे को, जब जी गीता भवन एक नंबर भी पूरा नहीं बना था, जी कि कलयुग में हमारा क्या कर लेगा, हम शेर जी सत्संगी है। अच्छा हाँ, शेर जी पास मैं व्याख्यान देते देते ऊपर आया था, कथा मैंने कर ली थी, व्याख्यान मैंने दिए था, चेला चेली मैंने बनाए थे, इनके जी चेला आपको पता कौन था, आप बताएं मुझे बताऊं, श्याम बता दो श्याम श्याम सुंदर के पिताजी थे ना वो, विनय चंद जी वो मिमानी वनय हाँ चंद हाँ वो थे, जी जी मेरा उनका बहुत काम पड़ा है, मेरा भाई अच्छा दादा जी से बहुत काम पड़ा है, गोपी राम जी से, भाई दादा जी जी मेरे पास आते थे जी नौका में, नौका हाँ में अनोखा चतुर्वास नौका में था पानी का था, और वहां जी भिन्नासर पे आते थे भाई दादा जी, वहां जी जी 3 बजे सुबह हमसे बात करते थे, जी 3 बजे सुबह आपके तीन दादा बजे जी गोपी राम जी। जी हाँ, जी शेर जी स्वामी जी विषय पूछा करते थे, उनकी अच्छा बात सुना करते थे, जी आप भिन्नासर में तो वहां दोरे पर, हाँ दोरे पे और नोखा मंडली में उनका स्वामी जी का उत्सव था, चुमासा, शायद हाँ सन 99 में था, कि मुझे पक्का याद नहीं, सन 99 में था क्या, हाँ सर हाँ 99 में था देख लो, माना सन 99 में था, वो मेरे जी पास ऊपर वो नीचे ठहरे हुए थे, मैं जी जी दो या तीन तल्ला था, वहां मेरे पास आया करते, जी देखा था, बता दिया ना, 99 में मिला। हाँ, मेरा 99 याद हाँ आ रहा 99 में था, है। 98 का चतुर्मास जोधपुर में था, 99 का नोखा हुआ और 2000 का रतनगढ़ में हुआ। हाँ, 2000 रतनगढ़ में था, मैं रतनगढ़ भी गया था 2000। अच्छा हाँ, मैं चुवासी में महाराज जी पास रहता था प्राय, बहुत दिन, 1 घंटे महीना, 100 महीना। जी
आपको तो याद भी करते थे बहुत ऐसे भी। अच्छा हमें जब तो घर बुलाओ था, दादाजी से मेरा सुनता था, पिताजी उनके शंभुनाथ जी चौबे के बड़े प्यारे थे। हाँ चौबे जी महाराज के। हाँ मेरे को सब पता, मैं आज बाकी थोड़ी हूँ। मैंने व्याख्यान दिया, चेला चेली बनाए, सबसे ऊपर मैं शेर जी के पास आया। जी पढ़ाई मैंने कर ली थी पर उससे मेरा काम नहीं बना। मैं जी चाहता था बहुत थी जी मन में थी कोई अच्छा महापुरुष मिले। स्वामी जी कहा करते थे, इसमें नहीं है, स्वामी जी कहा करते मैं जी चाहता था तुलसीदास जी से मिल जाऊं। अच्छा और शेर जी मिलने बाद मेरे मन से निकल गई। अच्छा हाँ ये स्वामी जी मुझे सुनी बात है। जी। मेरी दृष्टि में स्वामी जी कह रहे हैं, मेरी दृष्टि में शेर जी के समान जानकार कोई दिखा नहीं। जी कल्याण में उनके लेख पढ़ता था, पीछे में जी शेर जी पास आया। जी मुकुंद पांडे के द्वारा स्वप्न में भगवान के दर्शन हुए। जी उनसे पूछा, आप शेर जी के बस में कैसे हो गए? जी छोटी बहू की तरह? नहीं, बहू की तरह हाँ धीरे से बोले, इनके निष्काम भाव से। जी गीता में इसने मुझे बुलाया नहीं है, स्वामी जी कह रहे हैं मैं अपनी अच्छा मर्जी से आया हूँ। अच्छा गीता पे से मैंने बहुत लाभ उठाया है। जी मेरे देखने में, साधुओं में, जी भिक्षुओं में, जय दयाल जी के जैसा तत्वज्ञ जीवन जी मैंने कोई देखा नहीं है। अच्छा कोई है नहीं ऐसा मैं नहीं कहता, मैंने हाँ देखा। जी जी यही बात है। जय दयाल जी मेरी दृष्टि में संत थे। बहुत जी सनानंद जी महाराज जी बहुत आते थे और स्वामी सन्नानंद जी शेर जी सत्य में आते थे। जी। मैं बताऊ की बात सुन लो, हाँ इसमें नहीं वो सुना दू आपको। हाँ सन्नानंद जी करीब, सन्नानंद जी का जन्म था सन 1900 के आसपास का। अच्छा शेर जी का जन्म था 4 जुलाई 1885 सन का। हाँ हाँ 15 16 17 साल छोटे थे अंदाज। जी जी और वे शेर जी के सत्संग में ऋषिकेश आया करते, जी जी तो वो चुपचाप छिपे रहते और बाहर बैठे सत्र में बैठे रहते, उनको कोई जानता नहीं था। अच्छा एक दिन शेर जी ने पूछा, ये हाँ सुना रहा हूं बात, हाँ शेर जी ने पूछा हाँ ऊंचे साधक में और आपस में क्या फर्क है? अच्छा ऊंचे साधक में हाँ आपस में क्या अंतर है? जी कोई उत्तर नहीं दे इसका। अच्छा सन्नानंद जी ने उत्तर दिया। अच्छा हाँ सन्नानंद जी क्या उत्तर लिया? कि हाँ नींद के समय उत्तम साधक का भजन ध्यान छूट जाता है अच्छा और सिद्ध का नहीं छूटता। अच्छा ये पहचान है और जब हो जब ही तो बोले आओ महाराज जी ऊपर आओ। अच्छा वो महापुरुष थे, उन्होंने अच्छा बहुत प्राप्ति कर ली थी। जी अच्छा सीता का प्रचार शेर जी समय इतना हुआ, बाद में हुआ ये जो मैं अब सुन लो, एक बात खास बात आ गई। मैं जी जो व्याख्या दे रहा हूँ ये जय जयाल जी के कारण है। अच्छा हाँ और ये सत्य भी जय जयाल जी का ही समझना चाहिए, जी उन्हीं के कारण से हो रहा है। जी अच्छे पुरुषों का संकल्प पीछे मुक्तिमान होता है। जी हाँ शरीर छूटने पर उनके विचार फैलते हैं, जी विशेष फैलते हैं। जी इस कारण से इतना प्रचार हुआ है। जी क्या ये आप और हम अपनी ताकत से कर सकते हैं? जी हम इतने लोग इकट्ठे करना अब हमारे हाथ की बात है? नहीं है। नहीं है मैंने शेर जी से पूछा था कि आपको भगवान का आदेश हुआ क्या? जी शेर जी का भगवान ने शब्दों में नहीं कहा, भगवान ने दर्शन दिए तो मेरे हृदय में प्रेरणा हुई कि तुम अच्छा काम भाव का प्रचार करो, गीता अच्छा का प्रचार करो। जी शेर जी के परिवार से बैर रखते थे, उन हाँ लोगों को विश्वास था कि हाँ शेर जी झूठ नहीं बोलते, सच बोलते, सेठ जी झूठ नहीं बोलते, अच्छा सच हाँ बोलते हैं।
जी त्रिपाठी जी महाराज ने कहा था हाँ ये जय दयाल वैश्य वर्ण में है, हाँ संध्या बड़े समय पर करता, हाँ कितने ब्राह्मण है जो आज संध्या करते हैं, ये जी त्रिपाठी जी ने कहा। अच्छा शेर जी यदि समय चूक जाए तो उपवास करते हैं। अच्छा मैंने शेर जी से पूछा हाँ आपके उपवास करने का काम पड़ा क्या? तो हाँ एक बार पड़ा। अच्छा हाँ अच्छा देखो एक बात बताओ, त्रिपाठी जी महाराज जी की हाँ बताओ जी स्वामी रामचंद्र जी को बोले तो उनकी जाति थी खाती पड़ा, हाँ तो उनको साधु नहीं बनना चाहिए था, अच्छा तो उन्होंने कह दिया हाँ साधु नहीं बनना चाहिए, मतलब मैं साधु बना नहीं, अच्छा माँ ने मुझको साधु को दे दिया, मैं हाँ साधु बना नहीं हाँ बराबर लिया। हाँ सही बात इसका था जब हाँ ये क्या पूछा क्या साधु होता है क्या नहीं, हाँ मुझे मेरी माँ ने साधु को दे दिया, जी साधु मैं साधु बना नहीं जी जी ना। जैसी टी की बात है, जैसी टी की बात है, श्री जी जय दयाल जी गोयनका के सामने भगवान प्रकट हुए, जी कोई संख्या तो मेरे को याद नहीं कितने आदमी थे, लेकिन बंदे भी आदमी शायद थे वहां अच्छा जैसी में। शेर जी ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान सबको दर्शन दे दो, भगवान ने उत्तर दिया सब दर्शन चाहते नहीं, कैसे जी दे दू, जी जय दयाल कहे तो दर्शन दे दू। अच्छा शेर जी ने कहा मैं क्यों कहूं, जी आप मेरे में बुद्धि ज्यादा है क्या, आपसे हाँ दयालु ज्यादा बुद्धि ज्यादा आप में, तो हाँ मैं क्यों कहूँ, जी उनको गर्ज नहीं है उनको दर्शन देने के लिए, मैं क्यों कहूँ, जी मैं तो ये कहता हूँ मैं कीर्तन कर सकता हूँ, जी ये बात सुन लिया, जी इतनी पावर थी भगवान शेर जी कीर्तन में है। नाचते भी थे बाबूजी, बहुत ऐसे कीर्तन में बहुत मस्त हो जाते थे एकदम। वो रे मैं अपने आंखें देखा है, मुंडित हो जाते थे, पड़ जाते जमीन अच्छा पे पड़ जाते, मैंने अपनी आंखों देखा, अच्छा 5-7 आदमी उनके चारों तरफ तो घूमते रहते थे कहीं पड़ नहीं जाए नीचे। हाँ अच्छा फिर अच्छा भी वो पड़ जाते थे, अच्छा मैंने अपनी आंखों देखा हुआ। शेर अच्छा जी चूरू के रहने वाले थे, उनके नाना थे, माँ सत्संग में जाया करती थी, जी माँ के कारण शेर जी सत्संग में जाते थे, तो जी अच्छा माँ शेर जी को बोल के ले जाती थी चुप रहेगा तो तुझे सत्संग में ले जाऊंगी, तो अच्छा मैं बेर खाने के लोभ से वहां जाता तो आप बेर मिलते थे मुझे, इसमें नहीं है शेर जी की सुनी बात बता, पढ़ी हुई बात बता रहा। हाँ शेर जी की दादी खाट पर बैठी रहती थी, शेर जी खुपचंद जी की माँ, अच्छा उनसे चलना फिरना नहीं होता था, जी शेर जी के पिता का नाम था खूबचंद जी, वे अपनी माँ के भक्त थे, वे अच्छा अपनी माँ को रोजाना परिक्रमा करके नमस्कार किया करते थे, परिक्रमा अच्छा करके अच्छा बाहर जाते तो नमस्कार करके जाते थे और बाहर से आते तो नमस्कार करते, एक बार पिताजी बीमार थे, शेर जी बाजार का टोटी का पानी नहीं पीते थे, कुएं का पानी निकाल कर उसे पीते थे, जी यात्रा में गंगा जल साथ में रखते थे जी वही पीते थे, जी एक दिन भोजन करके काम करने के लिए गांव गए, जी बाहर से आकर बैठे, जी माँ जी प्यास लगी है, माँ जी पानी लेने के लिए गई, पिताजी जी ने कहा बेटा अब वैद्य को बुलाना है, तो शेर जी उसी समय वैद्य को बुलाने प्यास से चले गए, जी पानी भी नहीं पिया। हाँ अच्छा पिताजी कहते जा तो चले गए, अच्छा माँ जी पानी को लेकर आई तो पिताजी ने कहा उसको तो मैंने वैद्य को बुलाने भेज दिया, इस तरह शेर जी माँ बाप की आज्ञा का पालन करने वाले थे।
जी एक दिन रात में शेर जी पिताजी ने कहा पंखा झलते, हाँ शेर जी पंखा झल रहे थे, पिताजी को नींद आ गई, शेर जी सारी रात बैठे रहे पंखा अच्छा झलते, पंखा झलते रहे। जी पिताजी ने पंखा करने नहीं तो कह दिया पर मना किया नहीं। शेर जी बोले मैं तो गया ही नहीं। पिताजी ने कहा आज कह देता हूं कि मुझे नींद आ जाए, तुम चले जाना, हाँ हाँ अच्छा आज से याद रखना। हाँ हाँ एक एक बात इसमें नहीं है और सुना रहा हूं आपको। हाँ बाबू जी शेर जी की दादी बीमार थी हाँ और बट्टर नाथ जी महापुरुष थे शुरू में, बखतनाथ जी बट्टर नाथ जी हाँ तो साथ उनके पास खूबचंद जी गए, उनके पिताजी शेर जी गए, अच्छा महाराज दादी बीमार है, शरीर हाँ का ढंग नहीं है, आप हाँ एक बार दर्शन दे दो। तो अच्छा उन्होंने कहा भाई मैं आवा हाँ आवेंगे। तो हाँ 5-7 दिन बीत गए, हाँ वो आए नहीं। अच्छा तो शेर जी के पिताजी फिर गए उनके पास, हाँ महाराज माँ का शरीर रहने का ढंग नहीं है, ये हाँ भाई दर्शन दे दो। हाँ वे हंसे, अच्छा हंसे का मतलब क्या समझे आप? ये नहीं बता सर जब तक तो मैं नहीं आऊंगा उसका शरीर नहीं जा सकता, आप अच्छा समझे। हाँ सुन सर जी तो वो आ गए ना अगले दिन और मिल लिए। शेर हाँ जी बोले पिताजी से हाँ माँ का शरीर नहीं रहेगा, अच्छा अब दादी जी का शरीर नहीं रहेगा, तो हाँ नहीं रहा। अच्छा बखतनाथ जी के पास सेठ जी भी जाते थे ना, बखतनाथ जी को सेठ जी भी जाते थे बचपन में, कहाँ जाते थे? बखतनाथ जी के पास में। हाँ शेर जी जाते थे, जी जाते जी थे, पर जी उनके पिताजी बोलो जा रहे थे। जी एक जामदास जी जरान शेर जी पत्नी थे किसी जन्म में। हाँ अच्छा ये सावधान नहीं थे। हाँ अच्छा अब्बास देव जी काबरा है ना, वो हाँ काशी जी में थे जो होटल हाँ टाउन क्या था वहां रहते थे, हाँ उन्होंने बताया था हाँ लोहारी वाले को। हाँ मेरे मन में आई एक बार कि अच्छा शेर जी मेरे से बताया, शेर जी ने कि मेरी पुस्तक 12 आने लिखने का श्रेय इस काबरा जी को है। हाँ अच्छा ये मेरे को शेर जी ने बताया था, बांकुड़े में अच्छा हाँ 12 आने हिस्सा। अच्छा तो वो उनके मन में आ गई एक दिन, हाँ मैं क्या था शेर जी के साथ पुराने हाँ जन्म में, उनके हाँ सामने दिश आ गया हथियार कि अच्छा मैं बैठा हूँ सत्संग में, हाँ सत्संग करा रहे हैं, मैं साधु बड़ा हुआ बैठा सुन रहा हूँ। अच्छा हाँ ये पूर्वजन्म की बात है। अच्छा हाँ ऐसे नहीं लोग जुड़े, ये हाँ पंच जुड़े हैं भाई। हाँ बात यही हाँ है बट इसके नीचे सत्संग में एक बात कही थी शेर जी ने कि जी हाँ भगवान से प्रार्थना करो महाराज ऐसी कृपा करो हमारे को रुपया मत देना। अच्छा शेर जी मेरे से कान में बात बताई, हाँ कृष्ण हरि कृष्ण का छोटा भाई था, हमारे हाँ पास रुपये बहुत उनको काम में लो। तो शेर जी बोले मेरे लिए हर कृष्ण और दूसरे भाई में क्या फर्क बराबर जी है, इष्ट कल्याण के लिए साधु के पास जाता है, उसके जी भाई के हाँ लिए साधु के पास जाता है, पर जी मैं साधु होकर के किसके पास आया, हाँ और वो भी राधा बाबा भी साधु, और किसके हाँ पास आए, किसके भाई जी के पास। जी देखो कैसी विचित्र बात है, वो हाँ कैसे विचित्र जी साधु किसों के चेले बने हैं भीतर से मन से, कैसी जी बिल्कुल ठीक बात है जी विचित्र। हाँ ये राधा बाबा थे नहीं, जी अच्छा इनकी बात सुना दूं आपको। पहले गोविंद भवन में आए, पुराने गोविंद भवन में, जी बड़ा गोविंद भवन बास्तला लेन में था वो। हाँ वहां मैं तो वहां सत्संग किया मैंने।
हाँ ये तो 1958 में बना है, हाँ अच्छा उससे पहले वहां पे ये बिरला जी का बरसा वो था भाड़ा भाड़े हाँ पे, अच्छा तो उसमें आए थे वो श्री जी पत्र पढ़ रहे थे स्वामी जी, उन्होंने अच्छा पत्र पढ़े, हाँ उनसे बड़ा असर पड़ा, अच्छा जब स्वामी जी को बोले स्वामी जी ये तो हाँ अनुभवी पुरुष है तो हाँ मुझे इनसे मिलाओ, हाँ तो बोले आप बांकुड़े चले जाओ, तो हाँ बांकुड़े आए गए वहां पे दादा अच्छा बाबा, और हाँ हाँ मिले तो हाँ बात हुई, तो हाँ शंकराचार्य जी से भी गीता जी पर अच्छे भाव मालूम दिए। अच्छा हाँ वो शंकराचार्य जी के वो थे मानने वाले, तो जब शेर जी पीछे पड़ गए कि हाँ आप गीता लिखाओ अपने भाव लिखवाओ, कि हाँ वैसे उनके द्वारा लिखवाई हुई है दादा बाबा अच्छा के द्वारा, हाँ हाँ रोज दो श्लोक नहीं लिखवाते हाँ तो वो बोलते शेर जी आज तो भिक्षा नहीं मिली, हाँ हाँ समझे, जी पांच लोग जब तक लिखवा देते तो हाँ ये फिर स्वामी जी भाई जी राधा बाबा ये जी सब इकट्ठे हुए थे, एक अच्छा उनका नाम था हरि हरि बितिया के थे, हरिदत्त राय जी बितिया अच्छा के थे बिहार के, हाँ हाँ वो पट पहले कागज कहाँ से आते इतने, तख्ती अच्छा होती तख्ती हाँ तख्ती उस पे लिख लेते, और जी फिर मिट्टी मुल्तानी मिट्टी जो उसको साफ कर लेते, हाँ हाँ उस पे काम चलाते थे, इतने कहा अच्छा क्या काम होते। सेठ जी जी कहा हाँ तो महाराज जी को लाभ होगा, वही पट्टी साफ करने वाले को होगा। अच्छा हाँ अच्छा साधुओं जी में मैंने ऐसा कोई नहीं देखा जो तत्व तो बता सके, जो परमात्मा की बात बता सके। जी हम्म मैं शेर जी को जानता नहीं था कि हम्म कौन है, गीता से उनका क्या संबंध है, पर कल्याण के लेख देखे तो मन हाँ में आया ऐसे लेख बिना भगवान प्रभाव की प्राप्ति बिना लिख नहीं सकता, जी विद्या के जोर पर कोई ऐसे लेख लिख नहीं सकता, जी या साधु अथवा घिससे क्या मतलब, जी मेरा मतलब तो भगवान की प्राप्ति से। जी जी स्वामी जी के मन में एक ही भाव था, जी तो सुन लो, स्वामी हाँ जी के मन में छोटी उम्र से भगवान को प्राप्ति की बात। अच्छा स्वामी जी बोलते मैंने हाँ वर्षों तक हाँ ये समझ में नहीं आई प्राप्ति हाँ में क्या बात हाँ हाँ है, मुझे 20 वर्ष के बाद में समझ में आई उनकी हाँ इच्छा खास बात है। सुख की इच्छा अच्छा दूसरी बात कहते सत्संग हाँ से जो जवाब हुआ और किसी हाँ से नहीं अच्छा, हुआ, मेरा मतलब परमात्म प्राप्ति में है, हम्म, साधुओं में हमारी निंदा हुई, कहते जी, अच्छे पढ़े लिखे समझदार होकर भी तुम बेसमझी का काम कर रहे हो, बड़ी के पीछे पड़े हुए, ये अच्छा, साधु कहते, साधु हाँ, उनकी निंदा करते, स्वामी कहते अच्छा, तो मुझे परवाह नहीं कि मैं निंदा की, हाँ ये बढ़िया पीछे फिरते हो, हाँ कोई कोई निंदा करे चाहे प्रशंसा करे, मुझे तो बराबर परमात्मा की प्राप्ति ये काम है, बढ़िया जी पीछे तो वह फिरता है, मुझे हाँ पैसा चाहिए, पैसे जी हाँ को लेकर मैंने सेठ नहीं कहा था उनको, सेठ कहने का तात्पर्य था वह शेष पुरुष है महापुरुष है, जी जी जिसे भगवत प्राप्ति कर ली वो शेष शेष जिन्हें हाँ श्रेष्ठ हो गया रुपया कमाने के लिए गीता पर नहीं खोला, जी हम्म सबका कल्याण हो जाए इसलिए गीता पर खोला। भाई जी समय हो गया आपका, 1 घंटा, हाँ जी हो गया बाबू जी हाँ अगली साल अगली बार बात, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण आयन श्रीमन नारायण ना नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 आयन श्रीमन नारायण नारायण।